हेलो पेरेंट्स, तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम कब होती है। तो ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि बच्चे होते कैसे हैं। तो मुझे बहुत बार पेरेंट्स ने फ़ोन किया है, कंसल्ट किया है पूछने के लिए कि मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसकी ऐसी कंप्लेन आ रही है, घर पर तो वो अलग है, मेरा बच्चा बदमाश नहीं है, अचानक से बदमाश हो गया, उसे कैसे डिसिप्लिन करें। अब हमें लगता है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन है, बट एक्चुअली अगर आप उसके रूट पे जाओ तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है। बच्चे जो होते हैं बिल्कुल क्लियर पैदा होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम्स लेके पैदा नहीं होते। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, सबको प्यार देना जानते हैं, सबसे प्यार लेना जानते हैं, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होते हैं। बट जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो किससे सीखते हैं? आपसे सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं। तो जब वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर जिसके कारण उनके नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तब उनकी बदमाशी शुरू होती है, तब स्कूल से कंप्लेन्स आना शुरू होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चा क्या देख के रिएक्ट कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं घर में जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, क्या आपको लगता है आपका बच्चा आपके साथ, मतलब बेसिकली बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ वेल कनेक्टेड है? एक बच्चे के लिए अपना फाउंडेशन होता है उसके पेरेंट्स। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज कनेक्टेड नहीं फील करता तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। द सेकेंड थिंग इज, अगर बच्चा घर में लड़ाई झगड़ा बहुत देखता है, स्पेशली अपने पेरेंट्स के बीच में झगड़ा देखता है, तो वो डेफिनेटली उसके बिहेवियर में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर घर में प्रॉब्लम है तो बच्चा बदमाशी करना क्यों शुरू करेगा। रीज़न ये है कि अगर बच्चा बदमाशी करना शुरू कर दे तो सारा अटेंशन घर के लड़ाई झगड़े से बच्चे पे डाइवर्ट होता है, तो बच्चे को लगता है कि मेरे बदमाशियों के कारण, मेरे प्रॉब्लम्स के कारण एटलीस्ट सारे घर वाले लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक चीज़ पे फोकस हो रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं। तो ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये बच्चे सोच के जानबूझ के नहीं करते। तो ये बच्चों का रिस्पॉन्स होता है अपने सिचुएशन, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके बच्चे में भी आपको लगता है कि कुछ इश्यूज है, तो पहले आप ये मत सोचिए कि उसको डिसिप्लिन कैसे करना है, पहले आप ये सोचिए कि वो क्या देख के रिएक्ट कर रहा है। तो वॉट इज रियली अफेक्टिंग योर चाइल्ड, पहले आप वहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने बच्चे को सही तरीके से हैंडल करना। थैंक यू।